हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माहीज डायरी में। चलिए आज बनाते हैं ये बहुत ही इजी मेथड से चॉकलेट ट्रफल केक, जिसे मैंने बनाया अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस लॉकडाउन में, एंड शेयर कर रही हूँ कुछ हैप्पी मोमेंट्स। और हाँ, इस केक की डेकोरेशन मैंने अकेले नहीं की, मेरे बच्चों ने भी इसमें थोड़ी हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था केक डेकोरेट करते हुए, तो मैं उन्हें रोक नहीं पाई। सो इस तरह से बना ये केक। चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि मैंने 30 मिनट्स पहले ही कलेक्ट करके रख लिए थे ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। आज हम कढ़ाई में केक बनाएंगे। स्टैंड रख लिया मैंने कढ़ाई में। आज मैं 7 इंचेस का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, 6 इंचेस का नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा केक बना रही हूँ मैं, 1.5 कप का। तो चलिए इसको ढक लूँगी मैं थाली के साथ ऐसे, जो अच्छे से इस पर फिट आ जाए, और प्री हीट कर लूँगी इसे 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैं करूँगी केक टिन को ग्रीस विद ऑयल या फिर बटर, और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर लेके इसको सारा अच्छे से डस्ट कर लिया। आप पार्चमेंट पेपर यूज़ करो या फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हो ऐसे केक टिन पे। चलिए अब केक बैटर बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया मैदा 1.5 कप, जो कि है 215 ग्राम। उसके बाद 1 कप पिसी हुई चीनी, जो कि है 200 ग्राम। उसके बाद मैं ले लूँगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो ये हो गए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिनको कि छानना बहुत ज़रूरी होता है, और मिक्स कर लूँगी ताकि मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने आज नमक यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ बटर, 1/2 कप मैं बटर यूज़ कर रही हूँ ऑयल की जगह। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही, फ्रेश दही, और साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको चाहे ना भी डालो, ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी चॉकलेट केक अच्छा बन जाता है। अब मैं 1 कप दूध ले लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर लूँगी और बिना लम्स वाला एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा दूध बच गया है, इसको मैं नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वो आ चुकी है। और लास्ट में, अब आपको पता है कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते हुए, मैं इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, और वो है विनेगर। विनेगर बिल्कुल लास्ट में ऐड करती हूँ मैं, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और उसे डालते ही ये मिक्सचर जो है फटाफट से एयरी और फ्लफी हो जाता है। सो ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके इसे फटाफट से पोर कर दो केक टिन में, जिसे हमने डस्ट करके रखा है, और प्री हीटेड कढ़ाई में इसे जल्दी से रख दो। अच्छे से पहले टैप कर लो और फिर इसे प्री हीटेड कढ़ाई में रख दो फॉर द 40 to 50 मिनट्स ऑन द लो फ्लेम। और अगर बेक करना है आपको इसको अवन में, तो 180 डिग्री पे पहले प्री हीट कर लो एंड देन 30 to 40 मिनट्स के लिए उसमें बेक कर लो। जिनके पास मेजरमेंट्स के लिए कप्स नहीं है या फिर स्पून्स नहीं है, वो किस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं, ये मैंने लास्ट केक वाली वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप चेक कर सकते हो। चलिए अब बनाते हैं चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने 1 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ चॉकलेट ले लिया है, डार्क चॉकलेट। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून दूध, और इसको मैं 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी, ताकि चॉकलेट जो है अच्छे से पिघल जाए। 30 सेकंड्स में ये चॉकलेट अच्छे से पिघल गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर। बटर से बहुत अच्छा एक शाइन आ जाता है गनाश में। इसको 30 सेकंड्स के लिए मैं फिर से करूँगी माइक्रोवेव, और बस फिर अच्छे से कर लूँगी मिक्स एक स्मूथ गनाश के लिए। मुझे ये थोड़ा सा थिक लगा, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध और ऐड किया है, और बस अच्छे से मिक्स किया, तो ये पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला गनाश रेडी हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, या फिर और किस किस मेथड से आप गनाश को बना सकते हो, एट द वेरी लो कॉस्ट आप कैसे इसे रेडी कर सकते हो, इस बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसे अपलोड भी कर चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए केक रेडी है, पूरे 50 मिनट लगे इसे पकने में। केक को बार बार बीच में खोल के चेक नहीं करते हैं, वो अच्छे से नहीं फूलता है, फिर 80% या 90% टाइम हो जाए तभी इसको चेक करो। चलिए नाइफ टेस्ट हो गया, वो क्लीन थी। अब इसको मैं अच्छे से ठंडा कर लूँगी 10 मिनट, और फिर उसके बाद नाइफ से ऐसे साइड्स अच्छे से छुड़वा के इसे प्लेट में उल्टा करके मैं इसे कर लूँगी डीमोल्ड। थोड़ा सा टैप टैप करो ऊपर से, बहुत ईजिली ये निकल आता है। बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट बना था ये केक। ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ऊपर, ये कोको पाउडर के हैं, जो हमने डस्टिंग में लगाया था। सो नॉट टू वरी, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हुआ होगा हमारा चॉकलेट बेस। चलिए मैं आपको स्पॉन्जीनेस दिखाती हूँ। सी, परफेक्ट स्पॉन्जी केक बना है ये। चलिए इसको ठंडा कर लूँगी अब मैं एक रैक पे रखकर,
ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और फिर मैं इसको 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए एटलीस्ट फ्रिज में रखूंगी ताकि इसकी अच्छे से कटिंग कर पाऊँ। चॉकलेट गनाश को भी साथ ही मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो इस तरह से वो पाइपिंग फॉर्म में आ चुका है। अब इसी के साथ मैं अपने केक की आइसिंग करूंगी। मुझे डेकोरेशन के लिए जितना चाहिए गनाश, उसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में स्टार नोजल के साथ उसे फिल कर लिया। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी और बाकी जो गनाश है उसके साथ मैं केक की आइसिंग कर लूंगी। केक को मैंने ब्रेड नाइफ के साथ सेंटर से कट कर लिया 2 पार्ट्स में। बहुत ही मॉइस्ट और अच्छा सा स्पॉन्जी केक है। मैंने इसकी लेयरिंग में शुगर सिरप अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये केक काफ़ी मॉइस्ट ही है। मैंने बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे फ्रिज में नहीं रखा है, सो मैं सीधा गनाश अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे भी एक अच्छा मॉइस्चर मिल ही जाता है। अगर आप इस बेस को एक दिन पहले बना के रखते हो फ्रिज में, या फिर 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में इसको ठंडा करते हो, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो आप इसमें शुगर सिरप ज़रूर अप्लाई कर लेना गनाश लगाने से पहले। चलिए, मिडल लेयर में गनाश अप्लाई करने के बाद टॉप पर भी मैं ऐसे ही गनाश अप्लाई कर लूँगी। एक लेयर इस पर अप्लाई करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर से इसके ऊपर हम एक लेयर अप्लाई करेंगे पोरिंग गनाश की फॉर द क्लीन एंड शाइनी लुक। ये जो गनाश मेरे पास बचा है इसी में मैं थोड़ा दूध ऐड करूंगी और इसके ऊपर फिर बाद में पोर करूंगी। चलिए, ठंडा करने के बाद मैं इस पर पोर कर दूंगी वो पोरिंग गनाश ताकि अच्छे से क्लीन और शाइनी लुक आ जाए। इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लेट पर या फिर केक बोर्ड जो भी आपके पास हो उस पर रख लो और फिर उसके ऊपर आप जैसे चाहो उसको डिज़ाइन कर लो, डेकोरेट कर लो। जैसे मेरे पास पाइपिंग बैग में मैंने गनाश फिल करा था तो उसके साथ मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए और उसके ऊपर रख दी मैंने चेरी। ये सिंपली ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्योंकि ये बच्चे का बर्थडे केक है तो मैंने सोचा थोड़ा सा और डेकोरेट किया जाए इसे स्प्रिंकलर्स के साथ। और इतनी देर में मेरे बच्चों ने मुझे देख लिया केक डेकोरेट करते हुए और पास में आ गए मेरे दोनों, तो मुझे तो केक बचाना पड़ा अपनी बेटी से। मुझे तो डर था कहीं वो केक पर हाथ ही ना मारते, तो मैंने उठा के उसे रख दिया फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद मैंने जस्ट इस पर सिंपली सेंटर में वाइट चॉकलेट ग्रेट करके रख दी एंड दैट्स इट, चेरी ऑन द टॉप, और ये केक हो गया रेडी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अब कर लो फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। सी यू सून विद न्यू वीडियो।